बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज आपको दिखाएंगे जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हमारा रहा बेसिक जो प्राइमर का प्राइमर, ये ज्योतन कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है जी, ये PVA ये प्राइमर है ज्योतन का, और ये और इसके बाद में इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है स्टुको। तो ये बीज वतन का है, अरबी में इसको माजून कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्टुको। तो ये आज दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, आपको दिखाते हैं, सीलिंग में भी और वॉल के ऊपर भी है। यहाँ पे प्राइमर लेयर एक लग चुकी है और ऊपर इसके प्राइमर तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, हो चुका है पूरा। और अभी माजून का काम चल रहा है, स्टुको जो है ये अप्लाई कर रहे हैं। देखें जी, इसमें काफ़ी दीवारें हमारी रफ थी क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन काफ़ी हुई, कटिंग वगैरह का काम बाद में प्लास्टर के बाद ओनर ने काफ़ी मार्किंग दी, जिसकी वजह से ये स्टुको थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा टाइम भी लगता है और उसके बाद में ये इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। तो सीलिंग का भी ऑलमोस्ट बस ये एरिया तकरीबन फिनिश हो चुका है, बस अभी इसके ऊपर पेंट का काम बाकी है सीलिंग का। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे AC वालों ने मार्किंग दी हुई है, ये वाली जो मार्किंग आपको नज़र आ रही है, ये डक्ट कटिंग होगी यहाँ से, ये इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद में और ग्रिल लग जाएगी AC की, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे माजून किया तो ये इसका काम ख़त्म हुआ सीलिंग का। ये सीलिंग जिप्सम डिकोर है आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी ये पेपर जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला ये 120, ये वाला आप देखें 120 पेपर है, और अभी पुराने भी थे कुछ और अभी नए भी परचेज करके लाए हैं, इनको दिए ताकि अच्छे से इसको, ये कॉर्नर आप देख रहे हैं जो इसका ये जो बनता है डिकोर, ये जब माजून करते हैं ना थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये पंजाबी में इसको रेग मार भी कहते हैं और हैंड पेपर भी कहते हैं इसको, ये इंग्लिश में कहते हैं जी। तो ये अब इसके ऊपर जैसे ये माजून लग जाता है और फिर ड्राई हो जाता है, नेक्स्ट डे इसको फिर इसके में इसको लगाते हैं, और ताकि जो इसकी अप डाउन कुछ जगह होती है कहीं से तो वो क्लियर हो जाए और मुलायम हो जाए, कहीं पे लगाना हो तो फिर बाद में इसको तो थोड़ा बहुत अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बेड नंबर 2 है हमारा, यहाँ ये भी तकरीबन इसका स्टुको जो काम है इसका माजून का, वो सीलिंग का इस साइड का भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और आज इसके ऊपर जो वो कर रहा है सेंडिंग ऊपर जो पेपर सेंडिंग पेपर जो है वो लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ये अब आज पेपर लगा के इसको वो क्लियर कर रहे हैं फाइनल, ताकि फिर उसके बाद में कहीं पे अगर कुछ थोड़ा बहुत उसको लगाने वाला हो तो उसको लगा के इसको बिल्कुल स्ट्रेट किया जाए। जैसे ये आप देख रहे हैं इसकी ये जो बल्किट बनी हुई है सामने, बिल्कुल 100%
वो क्लियर करते हैं। अभी यहाँ पे पेपर लगाने वाले हैं इस साइड में, और ये बी बल्केट कंप्लीट हो चुकी है, और इसका अभी अभी माजून के बाद में इसको भी वो पेपर वगैरह लगा के आज पेपर का काम वो कर रहे हैं एक आदमी। और इसमें स्टुको लगाने में आपको बताएं कि एक ये जो चाहिए होता है स्क्रैपर, एक थोड़ा बड़ा, एक तकरीबन इसकी 25 सेंटी इसकी लेंथ होती है और तकरीबन 10 सेंटी का चौड़ाई होता है, और दूसरा 4 इंच का होता है छोटा स्क्रैपर। आप देख रहे हैं जो राइट साइड हैंड में पकड़ के और उसको टचिंग करते हैं, एक आदमी अभी क्या है कि टचिंग इसमें कर रहा है, कहीं आगे आगे जहाँ आप वो देख रहे हैं कि जो छोटा मोटा किड्डा है उसको टचिंग करने में क्या होता है कि उसका जो टचिंग करना होता है वो जिप्सम और माजून जो होता है स्टुको उसको थोड़ा मिक्स करके, तो उसको कहीं कहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप देखेंगे छोटा सा कहीं पे नेल वगैरह लगाया तो ये गैप आ गया, तो यहाँ भी प्लास्टर अप्लाई नहीं करेंगे। इसका क्या होगा, इस जगह में अभी थोड़ी जिप्सम और स्टुको मिक्स करके इसमें फिल करेंगे, और साथ में ये जब होता जाता है फिल तो फिर दूसरा आदमी जो अपना काम पीछे से कर रहा होता है वो कर रहा होता है स्टुको का। जैसे इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये अप्लाई करना शुरू किया हुआ है इस एरिए में, तो ये जी है आज आपको दिखाया हमने इसको स्टुको जो लगा रहे हैं इसमें माजून की है। ये इसका सीलिंग का और उसके बाद में वॉल का, ये दोनों ही शुरू किए हुए हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में इसका काम इस रफ्तार से चलता रहा तो 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बंदे लगे हुए हैं यहाँ पे, उस्ताद जो हैं 5, अब एक सीलिंग का अपना काम कर रहा है और 4 आदमी जो उस्ताद हैं वो लगे हुए हैं इसमें दीवार का एरिया। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने छोड़ दिया, ये आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्यों नहीं, यहाँ पे प्राइमर तो लगा दिया था बाई मिस्टेक, तो वैसे छोड़ा। इसको थोड़ा टांचा लगा के इसको रफ करेंगे, यहाँ पे हमारी बैक स्प्लैश एक टाइल आएगी, जैसे यहाँ पे जहाँ पे टीवी आ रहा है ना, तो ये किचन में एक पेंट्री टाइप एक किचन, इसमें मजलिस में एक किचन आ रहा है पेंट्री टाइप, तो ये तो अभी ऊपर जगह छोड़ दी, यहाँ भी टाइल सुबह लगेगी इंशाल्लाह। और ये ब्लैक जो टाइल लगी है बैक स्प्लैश इसकी वॉल, यहाँ टीवी आ रहा है, टीवी का स्टैंड वगैरह आएगा, और उसके बाद में ये जगह पेंट्री के लिए हमने छोड़ दी है, तो इसलिए इस यहाँ पर मौजूद नहीं किया। तो अभी बस ये अभी स्टुको का काम यहाँ तक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको जब फाइनल होगा तो इसको दिखाएंगे कि अभी आपको देखने में कैसी ये वॉल्स लग रही हैं, और उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कैसे लगेगा। अभी क्योंकि कुछ रफ है, जैसे यहाँ पे डार्क है, प्राइमर लगा, क्योंकि प्राइमर यहाँ एक कोट लगाया है, इसके ऊपर 2 लग चुके हैं, और ये दीवारें अभी प्राइमर के साथ तो रेडी हैं, लेकिन अभी जो इसको स्टुको कर रही है ना माजून, तो वो आप देख लें ये अब कर रहे हैं इसको। तो ये था जी आज तक का हमारा यहाँ तक का क्या अभी इधर लगे जाएगा। अच्छा, तो ये माजून का प्रोसेस है जो अभी स्टार्ट है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगा, अभी सीलिंग का जैसे आपको दिखाया कंप्लीट हो चुका है, और बस उसको अभी फाइनल इसको टच दे रहे हैं। ये 120 नंबर इसको ये लगता है सैंड पेपर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला ये पंजाबी में इसको रेगमार बोलते हैं, और आप ये पैक साइड से इसको देखेंगे, और इसका ये P1 P120
तो ये इस पे यूज़ करते हैं, ये वॉल के ऊपर इसको लगा रहे हैं। तो ये थी जी आज तक की हमारी वीडियो इसकी माजून की। माजून अभी आप देख रहे हैं ये है जिप्सम और ये साथ में स्टुको है। इसको और स्टुको को थोड़ा मिक्स करके तो फिर इसको अप्लाई करते हैं, तो इसमें थोड़ा काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाती है, क्योंकि वन लेयर जो पहले लगाते हैं ना वो इस जिप्सम के साथ मिक्स करके जब लगाते हैं तो जैसे ये क्रैक छोटे छोटे कहीं पे आ जाते हैं ना दीवार में, तो ये क्रैक्स में ये इस तरह जिप्सम में ही फिल सही होते हैं जी। तो दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। जिप्सम मिक्स किया इसमें।